हमारे घर के पीछे डामर रोड है, मेरा भी यहाँ पे घर परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा डामर रोड अच्छा सा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। इटावा में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां भ्रष्टाचार की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही हैं। मामला महिवा ब्लॉक में खंड 3 के अंतर्गत नंगला छिद्दी का है, जहां पर नंगला छिद्दी के लोगों ने अपने ही गांव में बन रही डामर रोड का विरोध कर दिया। कारण पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई जा रही गुणवत्ता विहीन सड़क है, जिसमें ना ही डामर की मात्रा पर्याप्त है और ना ही रोड डालने से पहले सफाई की व्यवस्था की गई, जिससे बनने वाली रोड बनने के एक दिन में ही चटक गई। हालांकि रोड का काम अभी आधा ही हो पाया है, रोड में ना ही डामर की मात्रा पूरी थी और ना ही बनने से पहले कोई साफ सफाई की गई, जिससे पीछे पूर्ण रूप से बन चुकी रोड भी कई जगह से क्षतिग्रस्त होती हुई नजर आ रही है। कहीं तो बनने के एक दिन बाद ही गड्ढे हो गए तो कहीं रोड में दरारें आ गईं। हैरानी की बात तो यह है कि रोड पर कार्य करने वाले मजदूरों में से कुछ मजदूर तो नाबालिग काम कर रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा हमें काम करने के 500 रुपए दिए जाते हैं और मैं 17 साल का 8वीं का छात्र हूँ। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जब रोड की गुणवत्ता को लेकर विरोध किया तो ग्रामीणों को धमकाया भी गया। नाम है लल्ला आपका? कहाँ रहते हो? पढ़ते हो? कितने में? 8 में। उम्र कितनी है तुम्हारी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 17 साल। 17 साल के। किस स्कूल में पढ़ते हो? प्राइमरी। तो यहाँ कितने रुपए मिलते हैं आपको काम करने में? 500 रुपए। ठेकेदार कौन है? तो कौन देता है आपको 500 रुपए? कौन भैया? सर, महिवा ब्लॉक में एक ग्राम है नगला छिद्दी, जहाँ पीडब्ल्यू विभाग द्वारा 1 किलोमीटर का रोड सैंक्शन कराया गया है, उसमें मानक के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। हाँ, मानक अनुरूप ही काम कराया जा रहा है। यदि कोई इसमें कोई शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग देखकर वो गुणवत्तापूर्वक मानक के अनुसार ही काम कराएंगे। ये तो आप लोगों के जीओ में है, ठीक है, मानक अनुरूप कराएंगे, लेकिन वहाँ ग्रामीण इसका घोर विरोध कर रहे हैं और सीएम पोर्टल पर ग्रामीणों ने शिकायत भी की है। वहाँ मानक के बिल्कुल विपरीत, ना तो रोड को साफ किया जा रहा है, नीचे में डामर की मात्रा भी आधी डाली जा रही है, गिट्टियों कहीं कहीं देखा गया है कि रोड चटक भी गई है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग मैंने उसको सुधार करवाएंगे उसका, और उसका भुगतान तब तक नहीं करेंगे जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाएगा सही। और इसमें नाबालिग बच्चे भी काम करते नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो हमारी संज्ञान में नहीं है, जैसे नाबालिग कोई अच्छा काम नहीं कर रहा वहाँ। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचता है, सभी मजदूरों के हवाले रोड बनाए जा रहे हैं। नहीं, समय समय पर जाते हैं सभी, और जो ठेकेदार है अगर उससे शिकायत की जाती है तो वो गाँव वालों का धमकाता भी है, दबंगई दिखाता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ठेकेदार को भी हम लोग समझाएंगे। इसका कितने का बजट है? 100 लाख। 7.5 लाख।